हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके पोर्टफोलियो वेबसाइट डेवलपमेंट का, यानी कि हम लोग ये वाली वेबसाइट बना रहे थे दोस्तों। पोर्टफोलियो वाला जो है हमारा काम यहां तक हो गया था दोस्तों। हम लोगों ने काउंटर सेक्शन को भी बनाया था, लेकिन उसमें वॉइस की दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। तो जिसके वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा इस पर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग को डिजाइनिंग उसी से देखना है, उसी वाले पार्ट से जिसमें वॉइस वाली प्रॉब्लम है। डिजाइनिंग आप लोग को देख लेना है, जेएस का जो कोड है यानी काउंटर जो हमारा चलेगा उसका कोड मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा पार्ट है कहाँ पे जाएगा, इस वाले प्लेलिस्ट में जाएगा। आप लोग को स्टेप बाय स्टेप जाके देखना दोस्तों, काउंटर कैसे हम कंट्रोल करेंगे ये भी इसमें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आ जाइए अपने वीएस कोड में। सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए वीएस कोड में अपने, देखिएगा मैंने क्या किया है। सबसे पहले तो जो हमारा जितना भी काउंटर है उसमें एक क्लास दे दिया है, फैक्ट काउंटर, इस तरीके से एक क्लास दे दीजिए, ठीक है। तो क्लास आपको सेम ही रखना है सब में, ठीक है। फैक्ट काउंटर यानी जिसमें 516 है, जिसमें 1400, उसमें भी आप लोग फैक्ट काउंटर नाम का सभी में क्लास दे देंगे, ठीक है। तो चार काउंटर है, चारों में इस तरीके से फैक्ट काउंटर नाम का क्लास दे देंगे इस तरीके से आप लोग, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसमें एक और एट्रीब्यूट पास करना है आप लोग को, डेटा सेल। तो ये हम लोग के द्वारा बनाया गया एट्रीब्यूट है, कोई प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट नहीं है। तो आप लोग कुछ भी यहाँ पे पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से मैंने डेटा सेल पास किया और इसमें मैंने 230 और इस वाले डेटा सेल में 516, यानी कि जो इसके अंदर होगा, यानी कि यहाँ पे जैसे 516 लिखा हुआ तो इस डेटा सेल में 516 पास करेंगे, और इसके अंदर अगर 1430 लिखा हुआ है तो यहाँ पे डेटा सेल में 1430 पास करेंगे। इस तरीके से डेटा सेल में पास कर लेंगे दोस्तों, ताकि हमें एग्जामिन करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सारा डेटा आप डेटा सेल में पास कर देंगे, जैसे यहाँ पे 36 है तो यहाँ पे 36 पास करेंगे, ओके। आ जाइए अपने index.js में और यहाँ पे देखिए सबसे नीचे आ जाइए और यहाँ पे कमेंट पास कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। इसके पहले ऊपर जो भी काम हुआ है उसके लिए भी आप लोग, जैसे कि ये किसके लिए काम था हमारा, वो हमारा क्या था, टेक्स्ट एनिमेशन। तो यहाँ पे इस तरीके से कमेंट पास कर दीजिए, टेक्स्ट एनिमेशन, ठीक है, ताकि आप लोग को फ्यूचर में कोड को ढूंढने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे भी कमेंट पास कर दीजिए और यहाँ पे भी एंड कर दीजिए इसको, ठीक है, इस तरीके से। तो जहाँ जहाँ आप लोग कमेंट पास करें इसलिए टेक्स्ट एनिमेशन, जैसे इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग इस तरीके से कमेंट पास कर देंगे, स्टार्ट काउंटर सेक्शन, स्टार्ट काउंटर कोडिंग एंड एंड काउंटर कोडिंग, ठीक है। तो एक वेरिएबल बना लेता हूँ इस तरीके से, काउंटर्स अंडरस्कोर एलिमेंट नाम का, और यहाँ पे मैं क्या पास करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर आल का यूज करेंगे, क्वेरी सिलेक्टर आज का और आल का, और यहाँ पे हम लोग काउंटर अंडरस्कोर क्या है हमारा, काउंटर हाइफन फैक्ट हाइफन काउंटर नाम है ना, तो डॉट लगा के फैक्ट हाइफन काउंटर इस तरीके से उसको सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें सारा एलिमेंट सेलेक्ट होके चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी पे लूप चलाएंगे, तो काउंटर एलिमेंट का इस तरीके से यूज करेंगे और डॉट फॉर ईच का हम लोग फॉर ईच मेथड का यूज करेंगे इस तरीके से, और इसके पैरेंथेसिस में हम लोग क्या करेंगे, एक मतलब यहाँ पे एक काउंटर नाम का एक मतलब पैरामीटर पास कर देता हूँ ताकि मैं इसको एक्सेस कर सकूँ, और इस तरीके से एरो फंक्शन, हाँ, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये चलेगा हमारा, मैं क्या करूँगा, जो हमारा काउंटर है काउंटर डॉट इनर टेक्स्ट का यूज करूंगा इस तरीके से। तो इनर टेक्स्ट का या इनर एचटीएमएल का जो भी आप यूज करना चाहें इस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनर टेक्स्ट का मैंने यूज किया और इसमें जीरो डाल दिया, ठीक है। तो देखिए जैसे पेज लोड होगा हमारा, इसमें क्या हो जाएगा, पहले से जीरो आ जाएगा, ये देखिए। जैसे यहाँ पे रिलोड करूंगा मैं अभी, ये देखिए जीरो आ गया सब में, ठीक है, सब में जीरो हो गया। अब हमें क्या काम करना है, एक फंक्शन बनाना है, इसी के नीचे जस्ट आ जाइए, एक फंक्शन बना लीजिए इस तरीके से यहाँ पे, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इसका इंक्रीमेंट अंडरस्कोर काउंटर या इंक्रीमेंट काउंटर इस तरीके से लिख देंगे कैमल केस में, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, पेज लोड होते ही, यानी कि जो हमारा ये फंक्शन है कब कॉल होगा, इसी के ऊपर कॉल कर देंगे पेज लोड होते ही, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल हो गया। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसके अंदर का डेटा निकाल लेना है। तो अगर यहाँ पे अगर आप लिखते हैं काउंटर डॉट इनर टेक्स्ट, काउंटर डॉट इनर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनर टेक्स्ट, इस तरीके से लिखता हूँ इनर टेक्स्ट, इसमें लिखता हूँ और इसको एक वेरिएबल में रखता हूँ, एक वेरिएबल में। तो यहाँ पे मैं जैसे कि मैंने वेरिएबल बना लिया करंट अंडरस्कोर नाम नाम का, और इसमें मैंने इसको पास कर दिया। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग में आप लोग को दिखाऊंगा, कंसोल डॉट लॉग का यूज करूँ यहाँ पे और करंट नाम को इस तरीके से मैं यहाँ पे पास कर दूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे आकर रिलोड करता हूँ, इंस्पेक्ट करूंगा तो मुझे करंट नंबर 00 मिल जाएगा। ये देखिए कंसोल में जाऊंगा, यहाँ पे देखिए 4 बार 0 मिला, इसका क्या मतलब हुआ कि हमें करंट नंबर मिल गया, ठीक है। तो करंट नंबर हम लोगों ने इसके अंदर से निकाला है, ये जो पैरामीटर यहाँ पे पास किया हुआ है, ठीक है। तो ये पैरामीटर किसके लिए पास है, इसके लिए, यानी कि इसमें जो है एक एक करके ये वाला एलिमेंट सारा जा रहा है और इसमें से करंट नंबर एक एक करके निकल जा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डेटा सेल वाले एट्रीब्यूट को यहाँ से निकाल लेंगे। तो एक वेरिएबल बना लीजिए डेटा अंडरस्कोर सेल नाम का, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे हम लोग किस में पास करेंगे, काउंटर
एलिमेंट यानी जो काउंटर है हमारा, उसमें गेट एट्रीब्यूट मेथड को पास करेंगे। और कौन से एट्रीब्यूट को एक्सेस करेंगे, यहाँ पर देखिए जिस एट्रीब्यूट का नाम आप, जैसे एट्रीब्यूट आप लोगों ने यहाँ से डिफाइन किया होगा उसी को एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा सेल आप यहाँ पे इस तरीके से कंट्रोल भी, यानी डेटा सेल। अब इसका क्या मतलब हुआ कि डेटा सेल का जो अंदर डेटा है, यानी कि जैसे यहाँ पे 36 लिखा हो, तो वो निकल के कहाँ जाएगा, इस वाले डेटा सेल में जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो करंट, मतलब जो हमारा करंट नंबर है, हम लोग उसको डिवाइड करेंगे डेटा सेल वाले नंबर को। किससे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले तो देख लीजिए, यहाँ पे एक वेरिएबल और बना लेता हूँ मैं। इस तरीके से मैं यहाँ पे करंट अंडरस्कोर नंबर, इस तरीके से मैंने एक वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे जो हमारा डेटा सेल है, डेटा सेल डिवाइडेड बाय 36। अभी मैंने यहाँ पे 36 क्यों लिखा दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो भी आपका छोटा नंबर होगा इन चारों काउंटर में से, जो सबसे ज्यादा छोटा नंबर होगा। अब यहाँ पे छोटा नंबर क्यों हम लोग डिवाइड करना पड़ रहा है, देखिए यहाँ पे हमारे जो काउंटर है वो एक साथ रुकना चाहिए, भले ही उसमें 1463 है, भले ही उसमें 25 ही डेटा क्यों ना हो, लेकिन काउंटर हमारा एक ही साथ रुकना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेटा सेल से डिवाइड करके रखेंगे, यानी काउंटर को अपने डिवाइड कर देंगे सबसे छोटे नंबर से। जैसे यहाँ पे 25 है तो 25 से डिवाइड करेंगे, लेकिन हम लोगों में क्या है, सबसे छोटा नंबर 36 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा नंबर जो है हम लोग में 36 है, तो हम लोग क्या करेंगे 36 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब करंट नंबर पे वो नंबर चला जाएगा। एक वेरिएबल और बना लीजिए इस तरीके से, यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल और बना लेते हैं, मतलब यहाँ पे इसको करंट नंबर अगर आप लोगों ने नाम दिया है, तो यहाँ पे आप इंक्रीमेंट नाम का एक वेरिएबल बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इंक्रीमेंट नाम का इस तरीके से एक वेरिएबल बनाइए, और इसमें इन करंट नंबर को और किसको जोड़ेंगे हम लोग, जो हमारा ये वाला करंट नंबर है, इसको और इसको, इन दोनों को जोड़ देंगे आप लोग। कैसे जोड़ना है आपको ध्यान से देखिए, जो हमारा करंट नंबर है, यानी कि जो हमारा ये नंबर है प्लस और कौन सा नंबर, करंट नंबर। ठीक है, तो दोनों को जोड़ के कहाँ पे रखेंगे हम लोग, इस तरीके से लिखते हैं करंट नंबर, ऊपर वाला करंट नंबर प्लस नीचे वाला करंट नंबर। तो दोनों में देखिए स्पेलिंग मैंने दोनों को दो तरीके से रखा है, अगर आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग काउंटर डॉट इनर टेक्स्ट का यूज करेंगे इस तरीके से, काउंटर डॉट इनर टेक्स्ट, और इसमें हम लोग जो हमारा इंक्रीमेंट नंबर आया है उसको हम लोग इसमें पास कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर रिलोड करूंगा तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसमें कोई नंबर आ जाएगा। तो ये नंबर पॉइंट में क्यों आया दोस्तों, क्योंकि डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो पॉइंट में नंबर आएगा। अब क्या करना है आपको, इसको अगर आप चाहते हैं पॉइंट में ना आए, तो इसको जो है मैथ डॉट फ्लोर के अंदर रखेंगे, मैथ डॉट फ्लोर मेथड का यूज करिए इस तरीके से, और यहाँ पे आप लोग इसके अंदर रख देंगे। अब क्या होगा, सिर्फ आपको राउंडेड नंबर मिलेगा, पॉइंट वगैरह नहीं मिलेगा। ये देखिए आया इस तरीके से, हमें अब काउंटर चला देना है दोस्तों। काउंटर कैसे चलेगा, हमारा हमें तो एक कंडीशन पास करना होगा ताकि हमारा काउंटर इनफाइनाइट टाइम ना चले। ठीक है, तो कैसे कंडीशन, इफ मैं पास कर देता हूँ, इफ जो हमारा करंट है, यानी कि जो करंट नंबर ये वाला है, इज लेस देन डेटा सेल। ठीक है, ये डेटा सेल से अगर छोटा है दोस्तों, तब तक हमारा काउंटर चलेगा। तो सेट टाइम आउट मेथड का यूज करिए, और इसमें इंक्रीमेंट काउंटर नाम का जो हमारा फंक्शन है उसको कॉल कर दीजिए इस तरीके से, और कॉमा देके आप लोग इसको कॉमा से सेपरेट करेंगे इसमें, इसके बाद टाइमिंग डिफाइन करेंगे। तो 50 अगर लिखते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, 50 मिली सेकंड हुआ। ठीक है, 1000 मिली सेकंड का एक सेकंड होता है, तो ये फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा। यहाँ पे अगर रिलोड करूंगा दोस्तों, तो देखिए अभी ये हमारा 14 है, तो ये 14 लिख जाएगा, ये 39 है तो 39 लिख जाएगा, 11 है तो ये 11 हो जाएगा। क्यों, ये जुड़ जाएगा, मतलब इसमें कॉन्केट हो जाएगा। ये देखिए नैन आ गया, अब ये नैन क्यों आया दोस्तों, ये देखिए है ना, अब ये नैन क्यों आ रहा है यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे डेटा सेल से अगर ये छोटा है, ठीक है, ओके, यहाँ पे नेम क्यों आया, यानी कि नॉट अ नंबर। अच्छा हाँ, ये डिफाइन आया, इज नॉट अ नंबर। देखिए यहाँ पे क्या लिख के आया दोस्तों, इज नॉट अ नंबर। तो ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये नंबर नहीं कह रहा है, तो ये जोड़ नहीं पाया। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको बताएंगे कि नंबर है, यहाँ प्लस लगा देंगे, यहाँ पे जहाँ से हम लोग डेटा निकालेंगे इनर टेक्स्ट ऊपर में, सबसे पहले यहाँ पे प्लस लगा देंगे, तो आप क्या पता चलेगा इसको, ये स्ट्रिंग था अभी तक, ये स्ट्रिंग था लेकिन अब ये नंबर में कन्वर्ट होकर वहाँ पे जाएगा। रिलोड करूंगा फिर से मैं, तो देखिए हमारा काउंटर चलने लगेगा, ये देखिए चला। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, कहाँ तक जाएगा ये, अब ये हमारा इनफाइनाइट टाइम क्यों चल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो है करंट नंबर जो हमारा है, सॉरी करंट नंबर मैंने यहाँ पे पास किया है, लेकिन यहाँ पे हमें कहाँ तक लूप चलाना है दोस्तों, इंक्रीमेंट नंबर तक है ना, यानी कि जो हमारा इंक्रीमेंट नंबर है वहाँ तक लूप चलाना है। तो यहाँ पे हम लोग जो इंक्रीमेंट है इसको हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, तो इसको कॉपी करिए, यहाँ पे कंट्रोल भी करिए, यहाँ तक लूप जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिलोड करूंगा फिर से मैं, ये देखिए अब हमारा लूप जाके वहाँ पे रुक जाएगा, ये देखिए है ना, यानी कि जो हमारा कंडीशन है वो जाके कहाँ पर रुकेगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोगों को इंक्रीमेंट वाले के नंबर, यानी कि कहाँ तक इंक्रीमेंट होगा ये है इसमें। ठीक है, तो इसमें कंपेयर करेंगे, इंक्रीमेंट इज लेस देन डेटा सेल। ठीक है, इस तरीके से कंपेयर कर लेंगे यहाँ पे, तो हमारा जो नंबर है वो यहाँ पे जाके रुक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्चुअली यहाँ पे तो 1430 है, लेकिन नंबर हमारा कहाँ तक जा रहा है, 1443 तक जा रहा है। तो इसका क्या सोल्यूशन है दोस्तों, इसके एल्स में यहाँ पे आ जाइए, इसके एल्स में डिफाइन कर दीजिए, इसके एल्स में क्या हो जाएगा, हमारा जो काउंटर है
काउंटर डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू डेटा सेल, ठीक है, यानी कि जो डेटा सेल वाला डेटा है फाइनल डेटा वो लास्ट में इसमें चला जाएगा जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये देखिए अब हमारा 1430 इसमें भी आ जाएगा, यानी कि करंट नंबर हमारा आ गया जो कि जो जहाँ पे नंबर था। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जितनी बार यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जब हमारा स्क्रॉल बार जैसे रिलोड कर दिया मैं चाहता हूँ जब हमारा स्क्रॉल बार यहाँ पे पहुंचे तब ये काउंटर स्टार्ट हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको मैंने इस तरीके से रिलोड किया, मैं चाहता हूँ जब हमारा स्क्रॉल बार यहाँ पे आए तब ये काउंटर स्टार्ट हो, ये देखिए है ना, तो काउंटर हमारा स्टार्ट हो जाता है यानी कि हो जाता है तब ये हमारा क्या होता है मतलब स्क्रॉल बार यहाँ पे आने पे ये होना चाहिए स्क्रॉल, मतलब काउंटर हमारा तब चलना चाहिए जब हमारा स्क्रॉल बार यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग एक प्लगइन का यूज करने वाले दोस्तों, इसके लिए हम लोग इसको सबसे पहले तो एक फंक्शन में रख दीजिए, ये जो कोड है आपका कंट्रोल एक्स करिए उसको एक फंक्शन के अंदर रखिए इस तरीके से यहाँ पे, और मैं नाम देता हूँ काउंटर एनिमेशन, काउंटर अंडरस्कोर एनिमेशन नाम का मैंने एक फंक्शन बना लिया इस तरीके से, और इसके अंदर मैं इसको रख दूंगा कंट्रोल वी, ये देखिए मैंने इसके अंदर इसको रखा। अब क्या होगा जो हमारा इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ दोस्तों ताकि दिक्कत, ये देखिए मैंने इसको अरेंज किया, ठीक है, ये इस तरीके से दिखा। यहाँ पे अगर रिलोड करूँगा तो अब हमारे ये फंक्शन काम मतलब ये काम नहीं करेगा, क्यों नहीं काम कर रहा है क्योंकि हमें कब काम करवाना है जब हमारा स्क्रॉल बार यहाँ पे पहुंचे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग एक प्लगइन का यूज करने वाले हैं, क्या नाम है उसका wow.js, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे wow.js। सबसे पहले तो cdn.js को यहाँ पे सर्च कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे जाएंगे इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ से आप लोग क्या लिखेंगे wow.js, ठीक है, तो wow.js लिखेंगे इस तरीके से, wow लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, wow लिखेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए पहली लिंक आपको कॉपी कर लेना है यहाँ से और लाके अपने पेज में डाल देना है index.html में ऊपर में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है इस तरीके से डाल देना है। उसके बाद आपको जाना है wow.js पे, तो यहाँ पे जाना जरूरी नहीं है, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे जाएंगे wow इस तरीके लिखे wow.js इंटर करिए, और जो आपको यहाँ ये वाला मिले इस पे जाइए, ठीक है, ये देखिए है ना। तो यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि डॉक्यूमेंटेशन इसका कैसे करना है, यहाँ पे रीड डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करेंगे। देखिए पहले तो इन करने को बोल रहा है anime.css भी आपको लिंक होना चाहिए, तो हम लोग में तो anime.css है, और इस तरीके से आप wow.js को लिंक कर लेंगे तो वो तो हम लोग ने कर लिया है। उसके बाद इसको आप कॉपी करेंगे अगर आप लोग गए हैं तो, अगर नहीं गए तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग यहीं से आप लोग देख के कर लेंगे, ठीक है, यानी कि जो हमारा है वैसे आप लोग यहाँ पे देख के कर लेंगे इस तरीके से, कॉपी पे कंट्रोल भी कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसको अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप कहीं भी वाव लिखेंगे, यानी कि जैसे यहाँ पे फैक्ट सेक्शन है इसमें अगर आप वाव लिख देते हैं, देखिए मैंने वाव लिख दिया है, यहाँ पे अगर आप वाव लिखते हैं तो इसका वाव का मतलब क्या हुआ समझिए इस चीज को ध्यान से जरा। यहाँ पे आता हूँ मैं, रिलोड कर देता हूँ इसको, रिलोड कर दिया, इंस्पेक्ट करता हूँ, एक्सपेक्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैं एलिमेंट में ही रहता हूँ। देखिए जो हमारा काउंटर कहाँ है, फैक्ट काउंटर हेडर सेक्शन, और ये है हमारा हेडर कंटेंट एलिमेंट, ये नहीं जो हमारा फैक्ट सेक्शन है कहाँ गया, ये रहा फैक्ट सेक्शन। देखिए इसमें वाव लगा हुआ, अभी सिर्फ इसमें क्या लगा हुआ क्लास वाव, जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पे जैसे पहुंचेगा देखिए क्या लग जाएगा इसमें एनिमेटेड, ये देखिए एनिमेटेड लगा, और इसमें मतलब स्टाइल लगा विजिबिलिटी विजिबल, ये देखिए है ना। तो ये आप इसमें जो है मतलब एनिमेट डॉट सीएसएस का कोई भी क्लास यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं अभी आपको बताता हूँ फिलहाल कि ये काउंटर हमारा कैसे काम करेगा, आगे हम लोग वो भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाए इंडेक्स डॉट जेएस में, सबसे पहले जब हमें एग्जामिन करना होगा कि कब उसमें एनिमेटेड लगता है, देखा आप लोगों ने कब एनिमेटेड लगा, देखिए मैं रिलोड कर देता हूँ फिर से आपको समझा देता हूँ दोस्तों अच्छे से। यहाँ पे ध्यान से देखना जो हमारा वाव लगा हुआ है यहाँ पे फैक्ट सेक्शन में वाव लगा हुआ है, देखिए मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ आप लोग वहीं देखिए, ये देखिए लगा एनिमेटेड और इसका विजिबिलिटी विजिबल हुआ, तो हम लोग चेक कर लेंगे कि कब इसमें एनिमेटेड लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, इसको कैसे एग्जामिन करना है, सबसे पहले तो डॉलर विंडो डॉट स्क्रॉल विंडो, इसमें विंडो और इसमें डॉट स्क्रॉल मेथड को इस तरीके से डिफाइन करिए ताकि स्क्रॉल होते ही हमें पता चल जाए। तो इसके अंदर एक एनोनिमस फंक्शन को इस तरीके से कॉल करेंगे, और यहाँ पे हम लोग इसके अंदर यहाँ पे आ जाएंगे पैरेंथेसिस में इसके यानी कि सॉरी इसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और अलर्ट पास करेंगे जैसे स्क्रॉल होना चाहिए अलर्ट हमें होना चाहिए जो अलर्ट हो, तो यहाँ पे इस तरीके से मैं अलर्ट ना पास करके इसमें जो है एक चीज पास करता हूँ डॉलर डॉलर, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ आईडी, यहाँ पे आप लोग दे देंगे, देखिए यहाँ पे मैंने आईडी दे रखा है, ठीक है। तो आप लोग इसी आईडी को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो आईडी देंगे हैश के साथ सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आईडी है, और इसमें डॉट attr एट्रीब्यूट मेथड का मैं पास करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्लास वाले एट्रीब्यूट को इस तरीके से निकाल लेता हूँ, ठीक है इस तरीके से। तो आप लोग यहाँ पे क्लास अगर पास करते हैं तो देखिए जब हमारा स्क्रॉल होगा, मैं रिलोड कर देता हूँ और इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, सॉरी मैंने पेज को रिलोड नहीं किया, फिर से मैं रिलोड कर देता हूँ, अरे अलर्ट नहीं हटाया क्या, अच्छा हाँ पेज लोड होते ही अलर्ट हो गया ना,
हम क्या करेंगे इसको जो है सबसे पहले तो यहाँ पे कंट्रोल एक्स करिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या करिए आप लोग, इसमें जो है आपको करना क्या, एक्चुअली मैं बता, यहाँ पे आपको कैसे सेलेक्ट करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा यहाँ पे एनिमेशन हुआ, कहाँ पे एनिमेशन हमारा वो पहुंचा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्चुअली करना क्या है दोस्तों, स्क्रॉल करते ही हमें उस एट्रीब्यूट को निकाल लेना है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट कैसे मिलेगा हमें, अलर्ट मीना पास करके आप लोग क्या करेंगे इसको कंसोल डॉट लॉग में पास करेंगे, सॉरी कंट्रोल जेड करता हूँ ताकि अलर्ट मीना आइए कंसोल डॉट लॉग में आए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कंसोल डॉट लॉग का सीधा यूज करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, इस तरीके से डिफाइन करिए ताकि अलर्ट हो जा रहा है ना तुरंत, इसकी वजह से पेज नहीं हो, काम नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग का यूज करेंगे। मैं इंस्पेक्ट करता हूँ यहाँ पे, देखिए मैंने यहाँ पे सॉरी इंस्पेक्ट कर दिया, कंसोल में जाऊंगा तो देखिए अभी यहाँ पे, अभी जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा यहाँ पे देखिए बैक सेक्शन आया, ये क्लास है दोस्तों उसकी, है ना। और आगे बढ़ेंगे तो जब इसमें एनिमेटर लगेगा, ये देखिए कब एनिमेटर लगा, ये देखिए वाओ एनिमेटर लगा, तो यही एनिमेटर जब लग रहा है हम उस फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाइए हम लोग एक, इसको तो एक वेरिएबल में रख लीजिए सबसे पहले आप लोग, तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ मैं, तो कुछ भी आप नाम दे दीजिए, यहाँ पे फैक्ट अंडरस्कोर नेम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरीके से एक वेरिएबल में इसको रखिए और लास्ट वाला हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन में पास करता हूँ, एक जो हमारा फैक्ट नेम है, फैक्ट नेम डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ मेथड का क्या, आप अगर आप लोग नहीं जानते दोस्तों तो आप लोग मतलब इंडेक्स ऑफ में क्या होता है कि वो चेक कर लेता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो कि इसकी जीरो इंडेक्सिंग नंबर पे, जैसे यहाँ पे चलिए इसको बाद में हम लोग समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या पास करेंगे, जो हमारा एनिमेटेड क्लास लगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमेटेड इस तरीके डिफाइन करेंगे, अगर ये इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, नॉट इक्वल टू माइनस वन, अगर ये माइनस वन के बराबर नहीं है तो हम लोग अपने फंक्शन को कॉल कर देंगे, कौन से फंक्शन को, ये जो काउंटर एनिमेशन वाला है, ठीक है। कॉपी करिए, कंट्रोल भी करिए। अब ये हमारा कब कॉल होगा, जब यहाँ पे हमारा स्क्रॉल बार पहुंच जाएगा, जैसे रिलोड करता हूँ मैं, रिलोड कर दिया, यहाँ पे आ जाऊंगा, देखिए ये हमारा चलने लगा, ठीक है। तो जब हमारा स्क्रॉल बार यहाँ पे पहुंचा तब ये चला, ठीक है, ये देखिए। अब ये स्क्रॉल बार फिर से जाएगा तो फिर से चलेगा ये, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ एक बार चले तो रुक जाए, एक बार ही एक ही बार चले, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ये चलेगा, सेशन स्टोरेज नाम का एक स्टोरेज है हम लोग डेटा मतलब ब्राउजर में, उसका यूज करेंगे। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्क्रॉल, इसलिए लिखता हूँ स्क्रॉल हाइफन या अंडरस्कोर, कुछ भी आप लिखेंगे, कंप्लीट स्क्रॉल कंप्लीट, ठीक है। और इसके की में, ये की हो गया, और की में क्या पास करेंगे, एनिमेशन इस तरीके से, या काउंटर जो भी आपको नाम देना हो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, देखिए जब भी स्क्रॉल होगा सेशन स्टोरेज में हमारा एक डेटा सेट हो जाएगा। इंस्पेक्ट करता हूँ मैं, अभी मैंने स्क्रॉल नहीं किया है, कंसोल में जाता हूँ, कहाँ गया हमारा, एप्लीकेशन में जाता हूँ, और यहाँ पे देखिए सेशन स्टोरेज में डेटा सेट हो गया। मैं इसको कट कर देता हूँ, रिमूव कर दिया मैंने, पूरे सेशन स्टोरेज को खाली कर दिया। यहाँ पे जैसे स्क्रॉल करूंगा, ये देखिए जब भी वहाँ पे हमारा पहुंचेगा, ये देखिए आ गया स्क्रॉल कंप्लीट, ठीक है। यानी कि अब ये स्क्रॉल हो गया, तो इसी को हम लोग एग्जामिन कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, इस पूरे कोड को हम लोग एक कंडीशन में रखेंगे, क्या कंडीशन लगाएंगे, इफ जो हमारा सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम, सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम, कौन से की को निकालेंगे हम लोग यहाँ से, जो हमारा एनिमेशन कंप्लीट नाम का की है, ठीक है। तो सॉरी स्क्रॉल कंप्लीट नाम का की है ना, तो यहाँ पे स्क्रॉल अंडरस्कोर कंप्लीट इस तरीके से डिफाइन करेंगे, कम कम्प्लीट, है ना, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्लीट। अगर इज नॉट इक्वल टू सॉरी इक्वल टू नल, अगर ये इक्वल टू नल कब रिटर्न करेगा, जब ये की नहीं मिलेगा इसको, ठीक है। तो अगर ये की नहीं मिलेगा इसको तो ये नल रिटर्न करेगा, इसके वजह से क्या करेंगे, जब ये की नहीं मिलेगा तो हम लोग अपने कोड को एग्जीक्यूट करा लेंगे, ठीक है। अगर ये की रहेगा तो ये एल्स में चलाएगा, तो एल्स में हम लोग कुछ लिखेंगे नहीं। यहाँ पे अगर रिलोड करता हूँ फिर से, देखिए रिलोड किया तो यहाँ पे की है, इसके वजह से क्या हो रहा है, मतलब ये एनिमेशन नहीं हो रहा है, तो की है तो एनिमेशन नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी रिलोड हो हमारा पे इस तरीके से अगर कोई रिलोड कर दे तो हमारा की डिलीट होना चाहिए। तो ऊपर में देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट रेडी लगा हुआ है, इसमें आप क्या करें, सेशन स्टोरेज को इस तरीके से एक्सेस करिए, डॉट रिमूव आइटम का यूज करिए, और यहाँ पे अपने की को रिमूव कर दीजिए, क्या की है, स्क्रॉल अंडरस्कोर कंप्लीट। अगर ये चीज नहीं समझ में आया दोस्तों तो आप लोग एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, हो जाएगा आपका काम, और मैं आपको समझा भी दूंगा अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे तो। ये देखिए जब भी मैंने रिलोड किया, अब ये देखिए हमारा चला, तो एक ही बार चलेगा ये, अब ये दोबारा नहीं चलेगा, ठीक है। जब ये रिलोड होगा, जब तक पेज नहीं रिलोड होगा जब तक हमारा ये नहीं चलेगा। फिर से मैंने रिलोड कर दिया, ये देखिए फिर से चलने लगा हमारा, ठीक है। तो एक साथ ही काउंटर रुक रहा है, ठीक है। हम लोगों ने ये टेक्निक जो इस्तेमाल किया ताकि हमारा काउंटर एक ही साथ रुके, जिसके वजह से यहाँ पे एक साथ ही काउंटर सारा रुक रहा है, देख लीजिए ध्यान से। फिर से मैं रिलोड करता हूँ और यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये देखिए, है ना, इस तरीके से। तो इसमें जो एनिमेशन वगैरह होगा वो हम लोग वाओ.js का यूज किए हैं, तो इसके वजह से हम लोग एनिमेशन को भी कंट्रोल कर पाएंगे, वो चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून। अगर दिक्कत हुआ तो आप लोग जरूर हमें ईमेल करके बताएं दोस्तों, मैं आपकी पूरी हेल्प करता हूँ।
बढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।